हेलो एवरीवन, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। और आज है दिन मंगलवार और ये पता है सुबह के तकरीबन 10:30-11 हो रहे हैं और अभी भी देखो कितना कोहरा दिख रहा है ना। और अगर बाहर खड़े हो रहे थे ना तो ऐसा जैसे होता है ना ओस की बूंदें, जैसे बहुत ही हल्की हल्की सी बारिश ऐसी कुछ लग रही थी। देखो बिल्कुल भी धूप का तो कोई देखने का मतलब है ही नहीं, 2 दिन से धूप ही नहीं दिखी है। धूप के लिए तरस रहे हैं। मुझे बहुत शौक है धूप में बैठने का और सोने का, खास करके शॉल ओढ़ के सो जाओ, बहुत शौक है। तो मैं तो तरस रही हूँ क्योंकि मुझे तो भैया बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो अभी तो बस मेरा एक यही, मेरा जो मैंने दिखाया था ना ब्लोअर, वही एक सहारा, उसी के पास बैठ जाती हूँ जब भी हैवी वाली ठंड लगती है। तो देखो नीचे गीला गीला हो रहा है। और यहाँ मैं दे रही हूँ तन्नु के लिए दूध और फिर इसके बाद बनाऊँगी मैं चाय, क्योंकि ठंड में तो भैया चाय जितनी बार दे दो उतना ही कम है। पर हमारे यहाँ भी बाहर से दूध आ रहा है, घर का दूध हो रहा नहीं है, तो हम लोग ना हिसाब से ही बनाते हैं, मतलब पूछ पूछ के बनाते हैं, तुम पियोगे, जो पीता है उसके लिए बन जाती है, बस ये चल रहा है। विनी जी ना अपने आज कपड़े धो रहे हैं, वैसे धो लेते हैं आज ही, नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर है ना वैसे मैं धो देती हूँ अभी तो। पर मैंने भी अपने कुछ दिन से कपड़े धोए नहीं थे क्योंकि मेरी उंगलियाँ सूज रही है ना, तो विनी जी बोल रहे हैं पानी में हाथ कम दे पहुँचा, अभी मैं 1-2 दिन छोड़ के तब लगा दी। देखो मेरे कपड़े, बच्चे कपड़े वो तकते पड़े, इन्होंने अपने जो ज़रूरी थे, बहुत ज़रूरी थे, वो कपड़े धो लिए, जैसे जैकेट और स्वेटर थे, तो बोले कि मैं इनको धो के निकाल दे रहा हूँ। चाय में पता है मैं सब तैयार कराई थी तो कुकू ने इसमें इलायची और लौंग डाल दी, तो उसके ऐसे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया था, तो नीची को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो उसको प्यार जता रहे थे। और ये आज नहीं, इसका नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मम्मी मैं नहीं नहा रही आज, तो इसलिए आज ये कुछ ऐसी घूम रही है। और फिर मैं आ गई थी किचन में और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ जो सर्दियों में ही खास कर बनाया जाता है। तो क्या बना रही हूँ वो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ शीरा बनाया जाता है और हरीरा बनाया जाता है, आपने सुनी होगी ये वाली रेसिपी। तो मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक रेसिपी बनाई जो सबको बहुत ही अच्छी लगी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी लिया, देसी घी में थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च पिसी हुई डाली और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया और उसमें तकरीबन 1.5 चम्मच छोटी मैंने सौंठ डाली, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने गोले को जो है ना ग्रीड कर लिया था और ग्रीड के साथ साथ मैंने चॉप भी कर लिया था, थोड़ा सा मुँह में आएगा तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर उसको ऐड कर दिया, थोड़ी देर इसको पकाया और फिर मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम चॉप करके रखे थे वो ऐड कर दिए। अब इसमें ना मैं पानी ऐड कर दूँगी और बॉईल आने तक इसे चलाती रहूँगी और साथ ही जितना आप मीठा चाहते हैं, मैंने तो यहाँ पे आधा चॉपर है ना चीनी डाली थी क्योंकि ये मीठा ही अच्छा लगता है और क्योंकि थोड़ा सा मिर्च और सौंठ वगैरह का जो फ्लेवर होता है ना उसके साथ चटपटा और मीठा थोड़ा अच्छा सा लगता है। और मैंने ना मतलब ये रेसिपी बनाने से पहले ये सूजी और ये आटा घर का जो गेहूँ का होता है वो भून के रख लिया था, पर मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई। फिर मैंने सोचा अगर आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मतलब कुछ बना ही रही हूँ, तो क्यों ना आपसे मैं शेयर करूँ। तो मैंने जैसे कि 4 चम्मच गेहूं का आटा, तो 4 चम्मच मैंने सूजी यहाँ पे ली और इसको जो पानी मैंने बनाया ना अभी कढ़ाई में उसी को गरम गरम इसमें करके और कटोरी में पहले मिलाया, क्योंकि अगर डायरेक्ट उसमें डालती तो लम्स आ जाते, मतलब गांठे पड़ जाती इस वजह से। तो मैंने अच्छे से घोल बना के कटोरी में और फिर उसमें ऐड कर दिया। तो आप कुछ भी समझे, आप इसको क्या नाम देना चाहेंगे, रीजी तो बोल रहे थे कि मैं तो इसे शीरा ही बोलना चाहूँगा, हरीरे वाला शीरा। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, मैंने काफ़ी अच्छे से चलाया और थोड़ा पतला ठीक रहता है ये, क्योंकि पीने में गरम गरम बहुत ही ज़्यादा और ख़ास करके सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा
अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सौंठ पड़ी होती है, काली मिर्च पड़ी होती है, और अगर आप जानते होंगे तो हरीरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसका लुक भी तो देखो कितना अच्छा है ना। लीजिए, ये तैयार है मेरी विंटर वाली रेसिपी। आप इसे सूप भी कह सकते हैं, नहीं सूप नहीं, विंटर वाला हरीरा, शीरा हरीरा, कुछ भी बोला यार, पर आज मैंने बनाया ना, सच्ची में सबका मन खुश हो गया। एक तो इसमें ड्राई फ्रूट जो भी थे मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिए, ज़्यादा तो नहीं थे, पर सब बहुत ही खुश हो गए। मम्मी ने नहीं खाया, क्योंकि मम्मी को जो जिसमें गर्म चीज़ें मिली होती है ना वो नहीं खाती है, उन्हें परेशानी हो जाती है इस वजह से। और फिर ये नून का टाइम है, मैं यहाँ पे बिस्तर ठीक कर रही थी, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, और आजकल बिस्तर ही ज़्यादा मैसी रहते हैं, सोफे वोफे तो एकदम आराम से चपाचप रहे आते हैं एकदम, उन वो बिल्कुल भी ना तो उनके कवर सिकुड़ते ना कुछ, बस आजकल बिस्तर पे रजाइयाँ कंबल और बेडशीट सारी उथल पुथल हो जाती, क्योंकि सब लोग है ना बेड पे ही आके घुसते हैं, और इस टाइम पे तो ज़्यादा लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो और भी ज़्यादा भरक बन जाती है सच्ची में। तो ये शाम के टाइम में ना अपनी जी जा रहे थे मार्केट, इन्हें कुछ सामान लेना था अपना। चलिए आपको ये बाहर से है ना मंदिर दिखाते हैं। विनीत जी ने अभी एक दो दिन में ही हाल फिलहाल में ये लाइट का कनेक्शन कराया था, तो जो सारी लाइट हम एक बार आपको दिखा रहे थे ना कलरफुल जो थी, तो आज ग्रीन जलाई, कभी रेड जला देते हैं, कभी ब्लू जला देते हैं, कभी पूरी वाइट जला देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी इसमें भगवान जी नहीं रखे गए हैं। अभी देखो शाम के ठीक से 6 भी नहीं बजे और कोहरा आ गया। वो जो मड़ी है ना हमारी मंदिर जो है, वहाँ की लाइट भी जल गई है देखो, और सुबह भी देखो ऐसा ही था। सुबह और शाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना फ़र्क लगता है कि हाँ लाइट जल गई तो ये शाम है क्योंकि सुबह सुबह लाइट नहीं आती, इस वजह से। मैंने सुबह जब दिखाया था ना तब लाइट नहीं थी। और विनीत जी भी जा चुके हैं, वो थोड़ा मार्केट जा रहे गए थे सामान लेने के लिए, कुछ सामान लाना था उन्हें पता नहीं क्या। और एक भाई बोल रहे थे कैसे आप है ना वो जो आलू की खेती की थी वो खेती दिखाओ और खेत वेत का कुछ दिखाओ। भाई इतनी ज़ोरों की ठंड पड़ रही है, आप खुद ही देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में, कि घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बस काम ख़त्म किया और रजाई दिखती है बस, और कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से अभी ना तो मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा तो आप हाल जानते ही हो, मैं तो हमेशा दवा खाती रहती हूँ, कभी मेरी उंगली सूजती है, कभी कुछ ऐसा होता रहता है। तो इसी वजह से बस विनीत जी ही जाते हैं खेतों पे, बच्चे भी बहुत ही कम जाते हैं, बहुत ही कम, जैसे निशा के साथ चले जाते थे या जैसे भी, कोई बाहर नहीं निकल रहा, बस काम ख़त्म किए अपने अपने घर रजाइयों में दुबक जाते हैं। हमारे यहाँ तो यही हो रहा है, और घरों की मैं बता नहीं सकती, कि आप लोग भी ऐसा ही करते हैं ज़रूर बताना। तो आई होप आपको आज का ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर ब्लॉग अच्छा लगता है। और आज मैं आपको कुछ अजीब सी लगी रही होंगी कैप वैप लगा के एकदम, यार अपनी सेफ्टी अपने ही हाथों है, तो इसी वजह से मैंने कैप लगा लिया ये वाला। मेरी इस हाथ की स्वेलिंग तो अच्छी हो गई, अभी इस हाथ हाथ की नहीं हुई है राइट हैंड वाले की। तो अभी मैं रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम।